हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवानीज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आई हूं अबाउट माय किचन काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजेशन। बहुत दिनों से हमारा काउंटरटॉप इग्नोर हो रहा था, मैं बिल्कुल भी उसको क्लीन एंड रीऑर्गेनाइज रीअरेंज नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अमेज़न से कुछ ऑर्गेनाइजर्स लेके अपने काउंटरटॉप को एक न्यू लुक दूं। एंड यस, दिस इज नॉट एट ऑल प्रमोशनल वीडियो। मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ कि मैंने कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं और अपने किचन में मैंने क्या चेंजेस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सा एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू ऑल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने किचन के लेआउट एंड डिजाइन की। तो हमारा किचन ओपन है जस्ट ऑपोजिट टू आवर डाइनिंग टेबल। किचन इन साइज बिल्कुल परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू 3 BHK फ्लैट। पहले यहाँ पे इस एरिया में एक सिंक था और फ्रिज हमारे डाइनिंग एरिया में था, बट आफ्टर रेनोवेशन जो हमने लास्ट ईयर कराया था, वी शिफ्टेड आर सिंक इन द यूटिलिटी एरिया, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आप सबने उस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है। और हमारे फ्रिज को एक नया स्पेस मिल गया हमारी किचन के अंदर। और अब ये पैंट्री और फ्रिज के बीच में एक एम्प्टी स्पेस था, उसके लिए हमने एग्जैक्ट इसी साइज़ की कैबिनेट भी बनवा ली थी, जो अब बहुत अच्छे से मेरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखने के लिए यूज़ हो रही है। तो अब किचन काउंटरटॉप की बात करें तो ये ग्रेनाइट है, इजी टू मेंटेन एंड इजी टू क्लीन। और हमारे जो टॉप कैबिनेट्स हैं उसमें एक रेलिक फिनिश है और बॉटम इज़ हाई ग्लॉस। और ये किचन ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए हैं इसको बने हुए। तो यहाँ पे गैस स्टोव के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेप एरिया है जहाँ मैं कटिंग एंड चॉपिंग करती हूँ, और राइट में सर्विंग एरिया है जहाँ कुक्ड फूड अक्सर रखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लीनिंग फर्स्ट। तो फिलहाल हमारा किचन काउंटरटॉप कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी यहीं पर प्लेस्ड है और ब्रेकफास्ट काउंटर में तो सबसे ज़्यादा मिस रहता है। और इस कैबिनेट के ऊपर मैं सभी बॉटल्स रखती हूँ जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फैली हुई दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप को खाली किया है टू गेट अ बेटर व्यू। और स्पेस खाली हो जाता है तो आप आराम से विजुलाइज कर सकते हैं और अपना प्लान भी कर सकते हैं कि आपको ये फाइनल सेटअप कैसा चाहिए। सो माई आइडिया बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली टू मेक फंक्शनल और क्लटर फ्री, बट ऑल्सो टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल एंड इन्वाइटिंग। आफ्टर ऑल किचन काउंटर टॉप हमारी किचन का सेंटर स्टेज है। सो वंस आई सेटल दोज आइटम्स, लेट मी शेयर कि मैंने अपने काउंटर टॉप के लिए क्या क्या लिया है फ्रॉम अमेज़ॉन जो मेरी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, बी इट फंक्शनल और स्टाइल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हम मेरे फर्स्ट ऑर्गेनाइजर से, जो है ये प्लेट एंड डिश पैन होल्डर। ये सेट ऑफ 2 में आता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है, आयरन स्टील से बना है, का यू शेप डिज़ाइन है विच रियली लुक स्टाइलिश टू डेकोरेट योर किचन। और इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैंने इसमें आराम से अपना चकला और ये दोनों चॉपिंग बोर्ड आराम से जिसमें रख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैं पिछले कुछ सालों से यूज़ कर रही थी एंड दिस इज़ नो डाउट इट्स अमेजिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी अगेन, जिसको मैंने रिप्लेस किया है विद दिस वुडन ऑर्गेनाइज़र। ये 2-tier स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र है। ये ऑर्गेनाइज़र सॉलिड वुड से बना है और स्ट्रॉन्ग लोड भी आराम से बेयर कर सकता है। इट कैन ईजिली स्टोर बॉटल्स, जार्स एंड अदर कुकिंग सप्लाइज। इट विल हार्डली टेक योर 5 मिनट्स टू असेंबल। इसके वुडन के पीसेस आते हैं विद नेल्स, जिसको आप आराम से इजीली अपने घर में असेंबल कर सकते हैं। एंड इट विल नॉट ओनली मेक योर किचन लुक नीट, बट इट आल्सो हेल्प्स यू टू सेव टाइम व्हाइल कुकिंग। सो एज आई सेड कि मैं अपने किचन को रीअरेंज एंड रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने अपने इस पुराने कप स्टैंड को रिप्लेस किया है विद दिस वुडन कप होल्डर विच कैन कैरी 6 कप्स एट वंस। इवन इसके बॉटम में हम सॉसेस भी इजीली रख सकते हैं।
मुझे ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगा है एंड इट स्टैंड्स फर्म। इसको भी असेंबल करना बहुत ही सिंपल एंड क्विक है। इसके बॉटम में ये फेल्ट पैड लगे हैं जिससे इसको मूव करना भी बहुत ईजी हो जाता है। इट्स रियली ब्यूटिफुल पीस टू बी डिस्प्लेड ऑन योर डाइनिंग टेबल ऑल्सो। इस कप स्टैंड को हम कैबिनेट में भी रख सकते हैं, अपने काउंटर टॉप में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए अब अरेंज करते हैं इस कैबिनेट को। यहाँ मैं सभी वाटर बॉटल्स रखती थी जिससे ये बहुत ही मेसी भी हो जाता था, तो मैंने बहुत टाइम से अपने काउंटर टॉप पर ये टू टायर रैक यूज़ कर रही थी जिसको मैंने शिफ्ट किया है यहाँ, और अब इसमें मैं प्लेस करूँगी सभी किचन के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिनका यूज़ घर में रोज़ होता है। और इस कैबिनेट के बनने के बाद मुझे यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है टू कीप लंच बॉक्सेस एंड एक्स्ट्रा ग्लास कंटेनर एंड बॉटल्स और मिक्सी के सभी जार्स। इवन मेरा यहाँ पे टॉप अप टोस्टर भी यहीं रखा रहता है। और उसके बाद मैंने अपने घर की सभी बॉटल्स को मूव किया है अपने इस कॉर्नर में जहाँ पे मेरा मिक्सर और ग्राइंडर रखा रहता था। तो अब अरेंज करते हैं सबसे मेसी एरिया ऑफ माय किचन। इसके लिए मैंने ली है ये दो बास्केट्स जो एग्जैक्टली काउंटर के नीचे वाले स्पेस के अकॉर्डिंग है, तो जिसमें मैं यहाँ किचन के नेक एंड नैक्स रैंडम आइटम्स रखूँगी। कई बार जिनको हमारी इमीडिएट अटेंशन नहीं मिल पाती उन सारे आइटम्स को स्टोर करने के लिए मुझे ये बास्केट्स बिल्कुल परफेक्ट लगी हैं। और ऐसे स्टोरेज बास्केट्स ही यूज़ करना एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है टू अरेंज रैंडम स्टफ़। तो एक बास्केट में मैंने वो सामान रखा है जिसकी मुझे अक्सर और रोज़ रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा बॉक्स फ़िलहाल के लिए एम्प्टी है, इन केस ज़रूरत पड़े तो मैं उसमें अपने कोई भी सामान स्टोर कर सकती हूँ। ये बास्केट्स मैंने अमेज़ॉन में ऑर्डर की थी, ये नया सा की हैं एंड दे आर परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस एरिया। हम सभी लोग अपनी किचन में इस तरीके के टिश्यूज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो क्लिंग रैप हो, किचन टॉल हो, और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने किचन के किसी ड्रॉर में जिसकी हालत कुछ समय के बाद कुछ ऐसी हो जाती है। तो सभी फूड रैपिंग पेपर के लिए आप ये मैग्नेटिक बास्केट यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लगी, इसमें सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, और जब भी आपको कुछ भी यूज़ करना हो तो आप सिंपली पिक करके यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी किचन में रेफ्रिजरेटर है देन दिस इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। किचन में रेफ्रिजरेटर होने से आप इसको आराम से इसमें अटैच कर सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है कि ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, और इसमें अपनी सभी चीज़ें रिलेटेड टू किचन आप रख सकते हैं, लाइक किचन टॉल, लाइक टिश्यू पेपर, क्लिंग रैप, फॉयल आराम से इसमें लग जाएगा। साथ ही अगर आप देखेंगे इसमें एक अलग से स्लॉट दिया हुआ है फॉर गार्बेज बैग्स, कि यहाँ पे आपने गार्बेज रैक रख दिया, इन केस जब भी ज़रूरत होगी आप आराम से उसको टेयर करके निकाल सकते हैं। इन केस अगर आप वहाँ पे गार्बेज बैग्स नहीं यूज़ कर रहे देन यू कैन यूज़ दिस स्लॉट टू कीप योर पेंस, योर सीजर एंड मेनी मोर। With this, my kitchen countertop organization is done, and that's all about it. Now my kitchen is looking much more organized, neater, and beautiful. Do let me know in the comment section which area you like the most. One thing which I really wanted to share at the end,
कि इस डिजिटल वर्ल्ड में वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सो मेनी ऑप्शंस, एडवर्टीजमेंट एंड व्हाट नॉट. आई हैव अ वेरी सिंपल सजेशन फॉर यू ऑल. व्हेनेवर यू सी समथिंग, जस्ट डोंट गो एंड बाय इट. थिंक अबाउट इट, whether it is really useful or not. So this is all in this video. I hope you all really like this, and yes, thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.